हेलो फैंटेसी के दीवानों, क्या आप सोलो लेवलिंग री अवेकनिंग की दुनिया में डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं? अपनी मना पोषण ले लो और चलो शुरू करते हैं। तो जो लोग यहाँ नए हैं उनके लिए सोलो लेवलिंग री अवेकनिंग ओरिजिनल सोलो लेवलिंग सीरीज का बहुप्रतीक्षित सीक्वल है, और यकीन मानिए यह और भी ज्यादा हैरान करने वाले मोमेंट्स और दिमाग हिला देने वाले ट्विस्ट से भरा है। सबसे पहले चलो हमारे प्रोटेगोनिस्ट सुंग जिनवू के बारे में बात करते हैं। वह वापस आ गया है और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसके री अवेकनिंग के बाद उसकी पावर एक नए लेवल पर पहुंच गई है। हम यहाँ भगवान स्तरीय क्षमताओं के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। उसके कैरेक्टर का एवोल्यूशन देखने लायक है। क्या आप जानते हैं सोलो लेवलिंग री अवेकनिंग हमें मॉन्स्टर्स और डंजन्स के एक नए सेट से परिचित कराता है। क्रिएटर्स ने नए चैलेंजेस के डिजाइन और कम्प्लेक्सिटी के साथ कमाल कर दिया है। यह एक गेम में लेवल अप करने जैसा है, लेकिन 10 गुना ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ। और एक्साइटमेंट की बात करें तो नए एलाइज और एनिमीज के बारे में मत भूलना। कहानी नए चेहरों को सामने लाती है जो प्लॉट में गहराई और रहस्य जोड़ते हैं। हर कैरेक्टर की एक यूनिक बैक स्टोरी और मोटिवेशन है जो कहानी को और भी समृद्ध और एंगेजिंग बनाती है। सोलो लेवलिंग री अवेकनिंग के बारे में मेरी पसंदीदा चीजों में से एक है आर्ट वर्क। इलस्ट्रेशंस बहुत ही स्टनिंग है, वाइब्रेंट कलर्स और इंट्रिकेट डिटेल्स के साथ। हर पैनल एक मास्टरपीस जैसा लगता है जो आपको फैंटेसी की दुनिया में और खींच लेता है। अब फैन थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। ओह थ्योरीज, सोलो लेवलिंग कम्युनिटी आगे क्या होगा इस बारे में अटकलों से भरी हुई है। क्या जिनवू को एक नए अकल्पनीय खतरे का सामना करना पड़ेगा, या उसे सबसे अनएक्सपेक्टेड जगह पर एक एलाय मिलेगा? संभावनाएं अनंत हैं और यही इसे इतना थ्रिलिंग बनाता है। अगर आप एपिक बैटल्स, इंटेंस ड्रामा और एक ऐसी स्टोरीलाइन के फैन हैं जो आपको अपनी सीट के किनारे पर रखती है, तो सोलो लेवलिंग री अवेकनिंग जरूर पढ़ना चाहिए। यकीन मानिए आपको निराशा नहीं होगी। ठीक है फैंटेसी लवर्स, आज के लिए बस इतना ही। लाइक बटन दबाना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। और मुझे कमेंट्स में बताएं सोलो लेवलिंग री अवेकनिंग का आपका पसंदीदा हिस्सा कौन सा है। अगली बार तक लेवल अप करते रहें।